ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने अभी के दो तीन क्वेश्चन में करा है, ठीक है, दो क्वेश्चन जो हमने करे है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यूज होगा, बट अगर इस क्वेश्चन को मैं पूरा देखूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, ध्यान से देखना। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हो अभी तक, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसीसी बीम। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में ऑफ एन आरसीसी बीम कर लेंगे, विड्थ देके रखिए, सबसे पहले बना लो विड्थ, सबसे पहले हमने क्या बना लिया विड्थ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या बना ली विड्थ 230 mm, डेप्थ कितनी बना ली, ओवरऑल डेप्थ देख रखी कितनी आपकी 550 mm, ये आपने ओवरऑल डेप्थ देख ली। स्टील रिइंफोर्समेंट कितना देखना है, चार नंबर 20 mm के, एक दो तीन चार, ये ग्रीन से बना लेते हैं हम लोग इसको, एक्सटर्नल वेट कर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसका ग्रीन पेंस कर लेते हैं, स्टील रिइंफोर्समेंट करता हूँ, ग्रीन पेंस करता हूँ, ठीक है। ये आपका स्टील रिइंफोर्समेंट है, बना दिया मैंने, ओवरऑल डेप्थ दी हुई है, विड्थ दी हुई है 230 mm की, ठीक है, स्टील रिइंफोर्समेंट दे रखा है चार नंबर, ठीक है, क्लियर कवर। अब इसने आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्लियर कवर, आपको इसने क्लियर कवर देके रखा हुआ है, कितना है क्लियर कवर 30 mm, क्लियर कवर है आपके पास 30 mm, नॉट इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर देके रखा हुआ है। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ठीक है, Fe415 है, ठीक है, चलने दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को इसने अगर देखा जाए ना, तो क्वेश्चन को इसने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, यहां से आपका सेकंड पार्ट चालू होता है। सबसे पहले इसने आपसे बोला कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसीसी बीम, विड्थ इतनी, ओवरऑल डेप्थ इतनी, स्टील रिइंफोर्समेंट इतना, क्लियर कवर इतना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी दे रखी है इसने, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दैट मींस FCK कितना हमारे पास 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड Fe415 कितना आपका, Fe415 है आपका ग्रेड ऑफ स्टील, और Fy कितना आपका 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है, ये डिस्टेंस भी आ गई आपकी। तो पहले मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही फाइंड कर लेते, उसके बाद आगे ये चीज देखेंगे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव डेप्थ चाहिए, और अगर मैं आपसे बोलूं इफेक्टिव डेप्थ कैसे फाइंड होती है, तो आप बोलोगे सर इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला है ओवरऑल डेप्थ, अगर मैं ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर दूं, अगर मैं ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर दूं, भाई यही तो होता है, देखो ध्यान से देखना, टॉप से लेके इस स्टील रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक, टॉप से लेके इस स्टील रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है रिप्रेजेंटेड बाय डी, और नीचे से लेके इस स्टील रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक क्या होता है आपका इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर दूंगा, मतलब ओवरऑल डेप्थ में से अगर ये मैंने इफेक्टिव कवर माइनस कर दिया तो मुझे इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी, तो ओवरऑल डेप्थ में से अगर आपने इफेक्टिव कवर माइनस कर दिया तो मुझे और इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी, दैट मींस इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। देखो ये रटने की जरूरत नहीं होती, अपने आप समझ में आता है, आप सोचते हो कि हमें रटना है, रटना बिल्कुल भी नहीं, अपने आप समझ में आता है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले हम इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करेंगे, which is equals to overall depth, ध्यान से देखना, which is equals to overall depth, overall depth कितनी है 550 है ना, हाँ overall depth आपकी कितनी है 550 minus effective cover, क्या आपको effective cover देके रखा है, नहीं जी, आपको देके रखा हुआ है clear cover, आपको effective cover नहीं देके रखा हुआ, आपको देके रखा हुआ है, इधर साफ साफ लिखा हुआ है clear cover। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता, फॉर्मूले थे वही यूज होने, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले 0.87 FIST, 0.36 FCK, B×XU, वही फॉर्मूले यूज होंगे बट अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो क्लियर कवर आपके पास कितना है, अगर मैं क्लियर कवर की बात करूं आपसे, तो क्लियर कवर आपके पास कितना है, क्लियर कवर इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या समझाया था कि क्लियर कवर, देखो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई, क्या
टीएल कवर क्या होता है 25 mm और डायमीटर ऑफ बार विच इज ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि इसने साफ साफ क्वेश्चन देखा है, देखो ध्यान से देखना, क्लियर कवर हमेशा स्टील रिइंफोर्समेंट के नीचे से होता है, ये कि नीचे से क्लियर कवर हमेशा आपका स्टील रिइंफोर्समेंट के नीचे से होता है। और वहीं पर इफेक्टिव कवर, देखो इफेक्टिव कवर क्या होता है, इस स्टील रिइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके इसके नीचे तक, ये बॉटम फाइबर जो है आपका, जो बॉटम एज है आपकी, ठीक है। तो अगर सेंटर से लेके मैं यहां तक की बात करूं तो ये होता है आपका इफेक्टिव कवर, और अगर स्टील रिइंफोर्समेंट नीचे से बात करूं तो क्या होता है आपका, ये होगा आपका क्लियर कवर। ठीक है, तो क्लियर कवर क्या है आपका 25 mm और डायमीटर ऑफ बार, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट अभी हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि क्लियर कवर हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि इसने क्लियर कवर आपको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। तो इस सारी वैल्यू को मिलाकर मैं क्लियर कवर को लिख देता हूं 30 mm। बट फिर मैंने आपको इफेक्टिव कवर से क्लियर कवर फाइंड करना बताया था। इफेक्टिव कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर इज इक्वल्स टू क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर इज इक्वल्स टू क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार। इफेक्टिव कवर इज इक्वल्स टू क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार। क्लियर कवर कितना देखा रखा आपको 30 प्लस हाफ ऑफ डायमीटर बार। ये जो स्टील रिइंफोर्समेंट देकर रखा हुआ है आपको, इस स्टील रिइंफोर्समेंट की डायमीटर कितनी देकर रखी हुई आपको 20 mm, 20 का आधा कितना हो गया 10, नहीं सॉरी इसको 20 ही रखो यहां पर, अभी मैं 10 कर दूंगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस 2 से ये कट गया, क्या आएगा 10, और फाइनल आपका कितना आएगा 40 mm। दैट मींस आपके पास जो इफेक्टिव कवर है, इफेक्टिव कवर आपका कितना आ चुका है 40 mm। और अगर मुझे इफेक्टिव कवर से, देखो अब हमारे पास हमें इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी है, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर कितना आ चुका है हमारे पास 40, तो इसको माइनस 40 कर दो इज इक्वल्स टू 410 mm। इसमें होना कुछ नहीं है, लगना वही मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है और क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं देगा, गए वो जमाने जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे, ठीक है, ऐसे घूमे हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता चुके हैं भैया, जो मेरी इफेक्टिव डेप्थ है कितनी है 510 mm, मेरी इफेक्टिव डेप्थ कितनी है आपके पास 510 mm, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ आ चुकी है, या आप लिख लो, लिख लिया होगा आपने इसको, मैं इसको मिटा देता हूं, मेरे इफेक्टिव डेप्थ का काम हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मैंने एक स्लैश मारा हुआ, स्लैश का मतलब इस पार्ट को भी हम करेंगे आगे इसके साथ ही, वैल्यू सब इसकी यूज करेंगे बट थोड़ा ब्रेक कर करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वी कंपेयर द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विद द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो एक्चुअल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की, उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। दैट मींस अब वी कंपेयर फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, for the determination of moment of resistance we compare actual depth with the limiting depth, actual depth with the limiting depth। अब actual depth आप कैसे find करते हो, इसका procedure आपको पता है, compressive force को tensile force के equal कर दो, तो हमें XU का फॉर्मूला डायरेक्ट मिल जाता है 0.87 FY AST अपॉन में 0.36 FCK इनटू B। ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में मिल जाएगी, और सारी वैल्यूज मुझे पता है गिवन है। तो देखो 0.87 FY ग्रेड ऑफ स्टील कितनी है 415, तो 415 एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील में कितना है देखो, 4 नंबर ऑफ 20 mm की डायमीटर, मतलब स्टील, 4 स्टील बार आपके पास 20 mm डायमीटर के, तो एरिया क्या रहेगा, पहली बात तो 4 और एरिया पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अपॉन में 0.36 एफसीए कितना आपका m20 है 20 इनटू विड्थ कितनी आपकी, ये विड्थ इतना देख रखी है 230 मिल गई है, इसको आप लिख लो 230 mm।
विड्थ कितनी आ चुकी है आपके पास 230 mm, ठीक है भाई। तो यहां से देख लेते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या आई है, दैट मींस यहां से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, 0.87 मल्टीप्लाई बाय 415, ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 0.87 मल्टीप्लाई 415 इनटू 400 इनटू 400, 0.87 इनटू 415 इनटू 400, और ये पाई भी है यहां पर, तो मल्टीप्लाई बाय आपका 3.14 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली टर्म आ गई आपकी 453478.8, नीचे वाली टर्म क्या आपकी, तो ये 453478.8 डिवाइडेड बाय 0.36 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 230, तो दैट मींस मेरी जो एक्चुअल डेप्थ आ चुकी है, मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूं, मेरी जो एक्चुअल डेप्थ आई है वाई आपकी 273.83 mm, हमारी एक्चुअल डेप्थ कितनी आ चुकी है 273.83 mm, मैं इधर लिख देता हूं, एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल्स टू 273.83 mm, ठीक है भाई, ठीक है जी, लिखो इसको एक्चुअल डेप्थ को पॉज करके, ठीक है। अब एक्चुअल डेप्थ आपको पता लग चुकी है, अब इस एक्चुअल डेप्थ को मैं किससे कंपेयर करूंगा, लिमिटिंग डेप्थ से, किससे कंपेयर करूंगा, लिमिटिंग डेप्थ से, और मैंने आपको लिमिटिंग डेप्थ का फॉर्मूला साफ साफ इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने वहां पर लिख ली वैल्यू, तो एक बार चेक कर लेता हूं, ये है क्या वैल्यू की, हां ये एग्जैक्टली ये, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, लिमिटिंग डेप्थ से, सो फॉर FE 415 हमें XU लिमिटेड कैलकुलेट करना है, जिसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, क्या 0.48 इनटू इफेक्टिव डेप्थ, ये मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो, देखो मैंने आपको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के तीन फॉर्मूलास बताए, एक 0.0035 अपॉन 0.87 F5 अपॉन ES प्लस 0.0035, मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया आपको, वापस बोलता हूं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के, दैट मींस हमने XU लिमिटिंग के मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे, एक तो क्या है 0.0035 अपॉन में 0.0055 प्लस 0.87 F5 अपॉन ES इनटू डी, अगर मैं एक्सयू की बात कर रहा हूं, इनटू डी अगर एक्सयू की बात कर रहा हूं, दूसरा क्या बताया 700 वाला, 700 अपॉन 0.87 FY प्लस 1100 इनटू डी, ब्रैकेट में बाहर डी मार दो, और तीसरा ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि 250 है, क्या है अभी अभी के 415, 250 है तो 0.53, 415 है तो 0.48 और 500 तो 0.46, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मैं एक्चुअल डेप्थ फाइंड कर लेता हूं, XU लिमिटेड इज इक्वल्स टू 0.48, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है मेरे पास 510, मैंने लिखी हुई यहां पर इफेक्टिव डेप्थ कितनी है आपके पास 510, दैट मींस 510 मल्टीप्लाई बाय 0.48, 510 मल्टीप्लाई बाय 0.48 कितना आ गया 244.8 mm, हमारी देखो ये मैं लिख देता हूं, नाउ XU लिमिटेड इज इक्वल्स टू 244.8 mm, ठीक है जी, अब ध्यान से देखना प्लीज, इसको मैं मिटा देता हूं, अब आपको ये चीज पता लग चुकी है, एज इन दोनों में से ध्यान से देखो एक्चुअल डेप्थ कितनी है 273.83 एंड लिमिटिंग डेप्थ कितनी आई आपके पास 244.8 mm, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम कंपेयर कर लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किससे बढ़ी हुई है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, यहां पर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किससे बढ़ी हुई है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, दैट मींस दिस सेक्शन इज ओवर reinforced, सेक्शन क्या है आपका ओवर reinforced, कौन सा सेक्शन है आपका ये ओवर reinforced, ठीक है, ओवर reinforced सेक्शन है आपका, ठीक है भाई, तो ओवर reinforced सेक्शन में सबसे पहले अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो हमें फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ओवर reinforced ये आपने लिख लिया होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मैंने इधर लिख दी है, ये मेरा काम यहां से खत्म। अगर मैं आपसे बात करूं ओवर reinforced सेक्शन की, तो ओवर reinforced सेक्शन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम ओनली यूज किसके लिए करते हैं, कंक्रीट के लिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ मना करा हुआ है कि स्टील के लिए फॉर्मूला उसमें वैलिड नहीं होता, क्योंकि स्टील का स्ट्रेंथ पहुंचता ही नहीं है, तो स्टील के बेस पर हम यूज नहीं करते हैं, तो ओवर reinforced सेक्शन के लिए हमेशा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके लिए यूज करोगे, कंक्रीट के लिए, और कंक्रीट को भी कहां तक, लिमिटिंग डेप्थ तक, दैट मींस 0.36 FCK into B into XU limited, या आपने क्या करा कंप्रेसिव फोर्स लिख दिया ब्रैकेट में
डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिटेड. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास आने वाला है विच इज इक्वल टू 0.36. FCA कितना है? M20 20 लिख दो. विड्थ कितनी है? 230. XU लिमिटेड अभी जस्ट हमने फाइंड करा था ना, मैं आपको वापस लिख देता हूं. XU लिमिटेड कितना आपका 0.48 डी है, ठीक है. तो 0.48 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ कितनी आई थी? 510, ठीक है. 0.48 मल्टीप्लाई बाय आपका 510 इज इक्वल टू, अच्छा ये लिखी भी रहो यार, 244 लिखी भी है, लिखी भी हमारे पास ऑलरेडी लिखी है जो बेस की. XU लिमिटेड है वो कितना है? 244.8. इसको 245 भी मान सकते हो, तो इशू नहीं है, है ना. 244.8 को आप 245 मान सकते हो. 510 माइनस 0.42 माइनस 0.42 इनटू XU लिमिटेड. XU लिमिटेड कितना है? 244.8. ये लो खत्म. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ पूरा का पूरा, पहले इसको कर लेते हैं. 244.8 मल्टीप्लाई बाय 0.42 माइनस 510 407.84, ठीक है. अब इसे करूंगा मैं 244.8 इंटू 0.42 माइनस 510, ठीक है. ये आ रहा है. अब इस पूरे को मैं सॉल्व कर देता हूँ. आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है. दैट मीन्स 407.184 मल्टीप्लाई बाय 244.8 मल्टीप्लाई बाय 230 एंड मल्टीप्लाई बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.36 विच इज इक्वल्स टू 16506783.1 न्यूटन एमएम. ये वैल्यू किस में आई आपकी? न्यूटन एमएम में, क्योंकि सब कुछ मैंने न्यूटन एमएम में रखा है. मैं आपको वापस लास्ट टाइम बता दूं कि FCA की यूनिट क्या होती है. FCA का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आती है. वहां से न्यूटन आता है, ठीक है. तो ध्यान रखना आपको सारी चीजें. और एमएम का सा है क्योंकि 550 510 सब कुछ हमने एमएम में रखा है, तो न्यूटन एमएम आ गया. बट एक चीज आपसे मैं साफ-साफ पूछता हूं, इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैंने डिस्कस कर लिया, ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी करे, बट इस क्वेश्चन में क्या है, आगे का पार्ट बहुत अच्छा है. इसी के साथ सेकंड पार्ट कौन सा है आपको? ऑल्सो डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इम्पोज्ड लोड वर्किंग. एक होता है डेड लोड, एक होता है इम्पोज लोड. ये बिल्डिंग है, इसमें स्लैब का, कॉलम का, बीम का, सबका जो लोड है वो अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकता है, उसको बोलते हैं डेड लोड. मैं क्या हूं? मैं अभी यहां पर हूं, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद यहां पर चल जाऊंगा. तो मैं कौन सा हूं? मैं हूं लाइव लोड, ठीक है. तो इसने मुझको पूछा है, यू हैव टू डिटरमाइन द लाइव लोड और वर्किंग लिख दिया इसने. इसने जो घुमाया है ना क्वेश्चन को, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो उसने आपको घुमाया क्या है. अगर मैं आपसे पूछिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आ रहा है, ये डिजाइंड है या वर्किंग है? अगर मैं आपसे पूछूं ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आ रहा है वो डिजाइंड है या वर्किंग है, तो पता है क्या बोलोगे? सर डिजाइंड है. क्यों डिजाइंड है? इधर देखो, आपने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड करा है. आपने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले से फाइंड करा है? इस वाले फॉर्मूले से. गिवन तो नहीं था आपको. इस फॉर्मूले में ये 0.36, ये 0.42 सब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगने के बाद आता है. दैट मींस आपने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस वाली इक्वेशन से फाइंड करा है, और जब आप इस वाली इक्वेशन से फाइंड करते हो आप, और ये जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिजाइन या फिर फैक्टर. फैक्टर मींस जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी चिपकी हुई है. इस फॉर्मूले लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? उन्होंने वैल्यू दी थी और बोला था वर्किंग है. इससे जब आप सॉल्व करते हो ना, तो ये फैक्टर्ड मूवमेंट निकल कर आता है. किससे निकल कर आता है? फैक्टर्ड मूवमेंट से. तो अभी बस अभी आप ये ध्यान रखो कि ये जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया ना, या तो ये डिजाइंड है या फिर फैक्टर्ड है. आप इसको लिखो, फिर मैं आगे चल बोलता हूं, ठीक है. तो इतना मैंने आपको क्लियर करके बताते हैं. देखो यार, ये ध्यान रखना है आपको कि आप है ना वर्किंग और फैक्टर्ड में कंफ्यूजन मत कर लेना. क्यों? मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो. इन भाई साहब जी ने क्वेश्चन में पूछा क्या है? यू हैव टू फाइंड द वर्किंग लोड. वर्किंग लोड में भी कौन सा? ओनली इम्पोज लोड. ओनली इम्पोज लोड. अभी घूम जाओगे आप जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है.
तो फाइनली मेरे पास एक बार तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चेक कर लो 165, ठीक है सही हमारा है। दैट मींस हमारा जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 165.067 किलो न्यूटन मीटर्स, ये हमारे पास वर्किंग सॉरी फैक्टर्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है अब इसको करो खत्म। ठीक है जी, अब बात आती है सेकंड वाले पोर्शन की, ध्यान से देखना। ऑल्सो डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इम्पोज्ड लोड, इम्पोज्ड लोड मतलब मैं और वो भी वर्किंग जिस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगी हुई नहीं हो, एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्फ वेट ऑफ बीम। सेल्फ वेट का मतलब क्या होता है, डेड लोड। सेल्फ वेट का मतलब क्या हो गया, डेड लोड। इसने बोला है कि आप इम्पोज्ड लोड फाइंड करोगे जिसमें एक्सक्लूड हो, एक्सक्लूड का मतलब हटा देना, इंक्लूड का मतलब कंसीडर कर लेना। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम हटाओ और उस बीम के ऊपर जो लाइव लोड लगा है वो कैलकुलेट करके दो। व्हेन बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम, व्हेन बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर अ स्पान ऑफ 5 meters, व्हेन बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम, व्हेन बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर अ स्पान ऑफ 5 meters, दैट मींस इसने बीम की लेंथ कितनी देख रखी हुई है आपको, इसने बीम की लेंथ देख रखी हुई है आपको 5 meters। कितनी देख रखी हुई है आपको बीम की लेंथ, 5 meters। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना आप जो मैं आपको बता रहा हूं। ये रहा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कोई सिंपली सपोर्टेड, इसने बोला साफ साफ सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो भी सिंपली सपोर्टेड बीम। जो डेड लोड होता है इस बीम पर, जो भी टोटल लोड लगा है वो किसकी तरह बिहेव करता है, हमेशा यूडीएल की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, यूडीएल की तरह। देखो इस यूडीएल में अभी दो चीजें इंक्लूड है, क्या क्या, लाइव लोड प्लस डेड लोड। भाई यू अगर मान लो एक चीज बताओ, जो बीम का सेल्फ वेट है, ये देखो बीम है, ये मेरी बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, तो यहां से लेके यहां तक ये तो यूवीएल चल हो रहा है, मेरा हाथ मरा सा है ना, ठीक है ये मान लो स्ट्रेट है, ठीक है तो यहां से लेके यहां तक जो बीम का सेल्फ वेट होगा वो यूडीएल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो सेम होगा। ये रहा बीम, यहां पर जो इसका वेट है, यहां पर इसका वेट, मतलब हर जगह सेक्शन में समझ रहे हो ना, यहां पर जो एरिया है ये देखो, इसका हर जगह क्या होगा, वेट सेम होगा। तो दैट मींस जो बीम का सेल्फ वेट होता है, जो बीम का सेल्फ वेट होता है वो आपका यूडीएल की तरह लगता है। अब अगर इसने लाइव लोड की पोजीशन, तो दैट मींस अगर देखो जो भी बीम का सेल्फ वेट होगा वो यूडीएल की तरह बिहेव करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह चलेगा। ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या इसने आपको लाइव लोड की पोजीशन दी है, जैसे मान लो मैं हूं, तो क्या इसने बोला कि मैं यहां खड़ा हूं, नहीं, इसने कोई पोजीशन नहीं दी है। तो जो मान लो लाइव लोड है उस पे वो भी हम इस यूडीएल में इंक्लूड मानेंगे। इमेजिन करो कि इन्होंने लाइव लोड की पोजीशन आपको दी होती, फिर तो आपको एसएमटी बीएमडी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ जाता, बट अभी उन्होंने लाइव लोड की कोई पोजीशन नहीं दी, उन्होंने बोला कि इसी में लाइव लोड भी इंक्लूड है। तो ये जो यूडीएल की इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी हमने कितनी मान ली, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। आपको पता होगा यूडीएल हमेशा इंटेंसिटी, यूडीएल की जो डब्ल्यू लिख देती है कभी भी लोड नहीं होता, इंटेंसिटी होती है, डब्ल्यू जो भी लोड है पर मीटर। ठीक है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि जो डब्ल्यू है ना, इसमें आपका लाइव लोड भी है मतलब मैं, और आपका डेड लोड भी है, दोनों है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है ये भी सही है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी सिंपली सपोर्ट, ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट क्या है आपका, मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट, मूवमेंट वही चीज है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बीएमडी कैसा बनता है, तो आप बोलोगे सर इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनता है, और इसकी मैक्सिमम बेंडिंग, जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू होती है वो सेंटर में होती है, कितनी होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, कितनी होती है आपकी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। बस हमें कुछ नहीं करना है, ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट है, तो इन दोनों मूवमेंट को हम क्या कर देंगे, बराबर। दैट मींस जो भी बीम होगी ना उसका हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हम अपने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल कर देंगे। बट अभी इसमें एक बहुत बढ़िया कहानी है, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप घूम जाओगे इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन मैंने कराया नहीं आपको 100%, तो आपको पता है कि भैया जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम करते हैं, ये ध्यान से देखना, इस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को एलएम ले लो, 165.067। तो हमने क्या करा, ध्यान से देखना,
हमने क्या करा, जो मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय सिंपली सपोर्टेड बीम का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल कर दिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, किसके इक्वल कर दिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। यहां से देखो कौन सा लोड चाहिए, मैं गारंटीड बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में घूम जाओगे आप, कौन सा लोड चाहिए सर वर्किंग, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा है, वर्किंग और डिजाइन। सर आपने 0.36 वाले से फाइंड करा था ना, हाँ, तो सर 0.36 वाले फॉर्मूले में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगी हुई होती है, तो आपने अगर उस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड करा है तो सर ये पक्का कौन सा है, डिजाइन। आपको फाइंड कौन सा करना है, लोड वर्किंग, तो मुझे इस मूवमेंट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट द डिजाइन मूवमेंट इंटू वर्किंग मूवमेंट, इंटू वर्किंग मूवमेंट। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप वर्किंग, देखो डिजाइन मूवमेंट किसके इक्वल होता है, डिजाइन मूवमेंट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1.5 इंटू वर्किंग मूवमेंट, बट अब आपको वर्किंग मूवमेंट फाइंड करना है तो आपको डिजाइन मूवमेंट को 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या जाएगा, वर्किंग मूवमेंट, क्योंकि आपको वर्किंग लोड फाइंड करना। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का, तो आपको वर्किंग फाइंड करना है, तो दैट मींस डिजाइन मूवमेंट, डिजाइन मूवमेंट को आपको 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। आ जाओ इधर, 1.5 ये सब मिटा रहा हूं मैं, आपको लिख रहा हूं, लिख लो वरना हिल जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं लिटरली बोल रहा हूं आपको, बहुत इजी टॉपिक है सिंपली सपोर्टेड बीम, आरसीसी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझना और इसके न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली करके आ जाना, हिल जाओगे आप। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बच्ची है इसके सामने, सीरियसली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो जाती है, ये कब घूमेगी, अभी तो मैं सिंगली रेनफोर्स बीम पर चल रहा हूं, अभी तो मेरा सिलेबस बहुत बाकी है, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आप ध्यान नहीं देते हो ना, इसलिए आरसीसी के क्वेश्चन खराब होते हैं, और भरोसा रखो मैं आपको ईएस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, सारे ईएस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो अब सर ईएस लेवल भी पढ़ा रहा हूँ, एसएससी जेईई इस टाइम कुछ भी दे सकता है, ईएस का पढ़ाऊंगा तो ईएस में भी आएगा और एसएससी जेईई में भी आएगा, तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ इसको, तो दैट मींस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू ये आ गया। अब लेंथ कितनी दे कर रखी है बीम की, 5 मीटर, लेंथ कितनी दे कर रखी है, 5 मीटर, तो हमने क्या कर दिया यहां पे, 5 का स्क्वायर। भाई हमको लाइट लोड चाहिए था और वो भी वर्किंग, मतलब जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं चिपकी हुई होती है, तो उसके लिए मेरे को मूवमेंट को वर्किंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1.5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दैट मींस ध्यान से देखना इसको, आप सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहां से आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी, दैट मींस 165.067 मल्टीप्लाई बाय 8 यहां पर ऊपर चल जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5 है ना, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 25 कितना आ गया, 35.214 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट था ये 165, इसकी यूनिट क्या थी, किलो न्यूटन मीटर, इसलिए जो देखो यूडेल की इंटेंसिटी वैसे क्या होती है, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर एमएम, हम न्यूटन पर एमएम में लेते हैं, ये डिपेंड करता है ना कि आपका फॉर्मूला में क्या गिवन है। अभी मैंने यूडेल की इंटेंसिटी को मूवमेंट से फाइंड करा है, और मूवमेंट एवर किस पे देख रखा है, किलो न्यूटन मीटर में, और यूडेल क्या होता है, 1 मीटर की लेंथ पे, तो देखो यूडेल की इंटेंसिटी कितनी आ चुकी है, 35.214 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये डब्ल्यू का मतलब क्या है, इस डब्ल्यू में क्या क्या इंक्लूड था, इस डब्ल्यू में इंक्लूड था एक तो लाइव लोड, और दूसरा इसके अंदर क्या इंक्लूड था, डेड लोड, क्या इंक्लूड था, डेड लोड, क्या इसमें आपसे डेड लोड पूछा है, व्हाट इज इंपोज्ड लोड, इंपोज्ड लोड का मतलब होता है लाइव लोड मेरी तरह, ठीक है, लिखो इसको फिर मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। तो आप समझ गए कि अभी जो मैंने यूडीएल की इंटेंसिटी फाइंड करी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की जो इंटेंसिटी फाइंड करी है, इस इंटेंसिटी में दोनों लोड इंक्लूड है, क्या है आपके, दोनों लोड इंक्लूड है। अब आ जाओ आगे, ठीक है, ये मिटा लिया मैंने पूरा। अगर मैं आपसे ये पूछूं ध्यान से देखना, मैं आपका आरसीसी जो है ना, क्या है आपका आरसीसी, मैं इस आरसीसी बीम का अगर मैं डेड लोड फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, डेड लोड, डेड लोड, लोड किस पर रिप्रेजेंट होता है, न्यूटन या किलो न्यूटन में, न्यूटन या किलो न्यूटन में,
वेट किसमें रिप्रेजेंट होता है, वेट न्यूटन या किलोन्यूटन में, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। अब ध्यान से देखना, अभी आप गायब हो जाओगे वरना थोड़ी देर बाद। भाई अब मैं डेड लोड फाइंड कर रहा हूं किसका, बीम का, मैं फाइंड कर रहा हूं डेड लोड किसका, बीम का। मेरे पास ये टोटल लोड है जिसमें डेड और प्लस लाइव है, मैं डेड लोड फाइंड कर रहा हूं, मैं डेड लोड की वैल्यू से पुट करूंगा 35 में, तो डेड लोड को माइनस करूंगा, मेरे पास लाइव लोड आ जाएगा, मेरे पास लाइव लोड आ जाएगा। देखते रहे ना, डेड लोड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वेट मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल डेप्थ, मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ नहीं। अगर आपको डेड लोड फाइंड करना है तो आपको कंक्रीट को यहां तक लेना पड़ेगा, आरसीसी को, मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल डेप्थ, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। भाई वॉल्यूम तो यही होता है, वेट डेप्थ लेंथ वॉल्यूम आ गया। एंड यूनिट वेट ऑफ आरसीसी क्या होता है, अगर मैं यूनिट वेट की बात करूं ऑफ आर, देखो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होता है, गामा फॉर आरसीसी कितना होता है इन न्यूटन्स या किलो न्यूटन्स, 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। आपको जो ध्यान है ना 2500 वो केजी में होता है, किसमें होता है वो आपका केजी में, यहां पर मैंने किसमें ले लिया आपका किलो न्यूटन में, ठीक है। अब यहां से देखना, तो ये आपके पास आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है 25, और कॉन्क्रीट का कितना होता है, कॉन्क्रीट का कितना होता है आपका 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। यहां पर मेरी डब्ल्यू भी किलो न्यूटन में और ये भी मैंने किलो न्यूटन में यूज कर लिया। अभी ध्यान से देखना, इसको मैं लिख दे, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इंटेंसिटी कितनी है मेरे पास 35.214 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, सॉरी पर मीटर, पर मीटर क्यूबिक मीटर नहीं, पर मीटर, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना, ये मैंने मिटा दिया। भाई आप डेड लोड फाइंड कर रहे हो, डेड लोड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, और यूनिट वेट फॉर आरसीसी कितना होता है 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, और कंक्रीट होगा 24 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां मैंने लिख दिया है सब, ठीक है। देखते हैं ना, ये वरना अभी भी हिल जाओगे, ये मैंने लिख दिया 25, ठीक है भाई, क्योंकि सारा सब कुछ किलो न्यूटन में चल रहा है, केजी में कहीं पर भी नहीं, इसलिए मैंने केजी में 2500 केजी पर मीटर क्यूब मैंने नहीं रखा, ठीक है। इसको अब मैं रखता हूं, इसको मिटा देता हूं, क्योंकि मैं डेड लोड की बात कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया डब्ल्यू डी, वही इंटेंसिटी में जो डेड है। अब विड्थ कितनी है सेक्शन की, विड्थ कितनी है 230, सेक्शन की ओवरऑल डेप्थ कितनी है 550, 510 मतलब ना, लोड फाइंड करना है ना, तो उसके लिए तो मैं पूरे सेक्शन की डेप्थ लूंगा ना, यहां तक की क्यों लू, ठीक है, इंटू 550। लेंथ कितनी है, आ जाओ इधर वरना घूम जाओगे। इस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, 35.214 किलो न्यूटन पर मीटर, पर मीटर का मतलब क्या होता है, एक मीटर। आपने यहां पर जो यूडीएल की इंटेंसिटी निकाल के रखी हुई है, कि यूडीएल की इंटेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है, कि एक मीटर पर कितना लोड लगा हुआ है, कि एक मीटर पर कितना लोड आपका यहां पर लगा हुआ है, तो यहां पर लेंथ कितनी आ जाएगी एक। भाई यूडीएल का मतलब क्या होता है, 35.214 किलो न्यूटन लोड एक्टिंग ओवर ए 1 मीटर लेंथ। पर मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर, तो यहां पर आप लेंथ का लिख दोगे 1, ध्यान रखना है इस को, इनटू 25, ठीक है जी, ठीक है। इसको सॉल्व करो एक बार, ठीक है, हमने सब कुछ रख दिया, विड्थ रख दिया, डेप्थ रख दिया, लेंथ रख दी, और यूनिट वेट रख दिया। अब आप जबरदस्त गलती कर दोगे यहां पर, मैं क्या कह रहा हूं, उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली ठीक करना मजाक नहीं है। कैसे, ये क्या था, यूनिट वेट, ये क्या है, यूनिट वेट विच इज इन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, किलो न्यूटन क्यूबिक मीटर, दिस इज लेंथ, लेंथ मैंने क्या रखा है 1, विच इज इन मीटर, ये किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में, और ये किसमें आपका मीटर में, ये 550 क्या है, mm, जब ये मीटर में रख रहे हो, ये मीटर में रख रहे हो, तो इसको भी किसमें रखोगे, मीटर में, इसको भी किसमें रखोगे, मीटर में, तो 550 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.550, और यहां पर पॉइंट, क्योंकि विड्थ भी किसमें रखी है, यहां पर आपकी mm में, तो यहां पर भी हम विड्थ को किसमें रखेंगे, मीटर में, मीटर के लिए मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, हार्डवर्डिंग में गलती मत करना, ठीक है। ध्यान देखो, चलते इसको 25 into 0.550
इनटू 0.230, ठीक है जी। जो आपका डेड लोड है ना, जो आपका डेड लोड है वो आपके पास आ चुका है 3.1625 किलो न्यूटन पर मीटर। आपके पास डेड लोड कितना आ चुका है 3.1625 किलो न्यूटन पर मीटर, और मेरे पास टोटल लोड कितना था, देखो W इज इक्वल्स टू टोटल लोड, दैट मींस लाइव लोड प्लस डेड लोड, लाइव लोड प्लस डेड लोड। अब है ना, तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू WL प्लस WD। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है WL, है ना। तो यहां से देखो, यहां से WL आपका क्या निकल के आ रहा है, यहां से आपका WL निकल के आ रहा है W माइनस WD। W कितना आपके पास 35.214 माइनस डेड लोड कितना आपके पास 3.1625। फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 35.214 माइनस 3.1625 विच इज इक्वल्स टू 32.0515 किलो न्यूटन पर मीटर। दैट मींस ये जो इम्पोज लोड है ना, कहां गया ये जो इम्पोज लोड है, ये हमारे पास कितना आ रहा है 32.0515, ये रहा आपका आंसर, और यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इंटेंसिटी हमेशा लोड पर मीटर में रिप्रेजेंट होती है। तो आप देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको करना है, मजाक मत समझना आपसे जी, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ, इसको रखता हूँ।